Have you ever thought that fire, which is very hot, and ice, which is very cold, can destroy the world? Is it possible? Yes, it is possible, and which is revealed by Robert Frost in his poem Fire and Ice. So in this small video, I am going to tell you each and every line. I am going to explain each and every line. हर लाइन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम पोएम की देंगे ताकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस, टेक्सुअल क्वेश्चंस, थीम, सेंट्रल आइडिया और पोएटिक डिवाइसेस, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स गो टू द लेक्चर। This is laptop. ये देखिए पहली पोयम है, मेरे पास बुक है। सम से जब भी इस प्रकार का वर्ड का प्रयोग होता है ना, सम से, पीपल से, यानी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा पोएट ने पहले जो ना स्टेंजा की पहली लाइन में कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों की राय है कि दुनिया का अंत फायर से हो जाएगा। सम से इन आइस, जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि जो बर्फ है जो बहुत ठंडी होती है, फायर जो बहुत गर्म होती है, दुनिया का अंत बर्फ भी कर सकती है। तो कैसे भी जो ना एक्सप्लेन करता है, व्हाट डज इट मीन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ये स्टेटमेंट से ओपन होती है पोयम। कुछ लोगों की एक किस्म से कह सकते हैं ये कहावत है, ये जनरली सैड फैक्ट है, स्टेटमेंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये कॉमन बिलीफ जिसको हम बोलते हैं कि ये आमतौर पर माना जाता है, विश्वास किया जाता है और थ्योरी है ये, दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एक दिन जो ना दुनिया का अंत फायर से हो जाएगा। This fire is often interpreted as metaphor. देखो, fire metaphor से का प्रयोग किया गया है and उसका मतलब है desire, की इच्छा and passion, कि जैसे जैसे इंसान की इच्छा, जैसे जैसे राजा, जैसे जैसे देशों की इच्छा बढ़ती जाएगी तो युद्ध होगा, आग निकलेगी, fire होगी, दुनिया का अंत हो जाएगा। माले न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए तो दुनिया का अंत हो जाएगा, उसमें फायर ही फायर होती है। तो डेथ इज डिजायर, वो इच्छा है ज्यादा पाने की, तो बात जायज है कि ज्यादा इच्छा, यानी मेटाफर का प्रयोग करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहता है कि ज्यादा इच्छा है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू फायर, उसकी नेचर फायर की जैसी हो जाती है, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और मॉडर्न डेज में इतने वेपन्स हैं, शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये भी बताना चाहता है कि वो इस प्रकार की जो ना डेंजरस और लाइफ टेकिंग वेपन्स हैं जो पूरे देश को एक साथ तबाह कर सकते हैं, तो डिजायर के कारण ही वो वेपन का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड लाइन में कहता है सम से इन आइस, कहता है बट ऑन द अदर हैंड सम पीपल आर ऑफ द व्यूज that ice can also bring an end to the world, कि बर्फ भी दुनिया का अंत कर सकती है। कैसे बताओ बच्चों? यहाँ फ्रॉस्ट एक अल्टरनेट बिलीफ, यानी दो बिलीफ के बारे में, टू बिलीफ्स, जो बिलीफ्स का मतलब है विश्वास, दो मान्यताओं का प्रयोग करता है। वन इज फायर, अनदर इज आइस, और ये तो आपकी डिजायर से कनेक्ट करता है, आइस को आपकी जो ना एक किस्म से योगन से जो ना आपकी हेटर से, घृणा से, हेटर से। और देखो हेटर वर्ड हिट एंगर में आता है, लेकिन बर्फ में एंगर, खून भी जम जाता है बर्फ में, तो कैसे इसने मेटाफर का प्रयोग किया,
कैसे पोएम को ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जो एक दूसरे की बिल्कुल अलग है, दोनों की नेचर अलग है। दूसरा, दुनिया में लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से हो जाएगा। द आइस किस चीज का सिंबल है? हेटर्ड का। फायर किस चीज का सिंबल है? डिजायर का, डिजायर का, इच्छाओं का, पैशन का। और दोनों ही चीजों में वो कैपेबिलिटी है कि दुनिया को तबाह कर सकते, इंडिफरेंस और कोल्डनेस। थर्ड लाइन देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। और थर्ड लाइन में देखियो, देखो थर्ड लाइन का मतलब कि फ्रॉस्ट अपने पर्सनल आई, यहाँ आई कौन है? यहाँ आई है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट कहता है कि मेरे अपने अनुभव से मुझे ऐसा लगता है दैट ही हैज लेफ्ट इट्स पावर एंड इंटेंसिटी। डिजायर हियर अलायंस विद मेटाफर ऑफ फायर, और डिजायर मेटाफर ऑफ फायर का रिप्रेजेंट करती है, और आइस मेटाफर ऑफ ना एक किस्म से आपकी हेटर्ड को, हेटर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये पोएटिक डिवाइसेस का प्रयोग करके पोएम में जो ना एक एनहांसमेंट लाता है राइटिंग में, थीम को समझाने में, और सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग ना करके पोएटिक लैंग्वेज का प्रयोग पोएट्स करते हैं। चौथी लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कहता है आई, यहाँ आई कौन है? रॉबर्ट। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कहता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। फ्रॉस्ट मानता है कि वो उन लोगों की तरफ है, यानी उन लोगों की मत से सहमत है, दोज हु बिलीव द डिजायर, डिजायर का मतलब ही फायर है, इज मोर लाइकली टू कॉज द वर्ल्ड एंड। उसका अपना मानना तो ये है कि फायर के कारण, डिजायर के कारण, अनवांछित डिजायर के कारण, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स के कारण जब एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीज करना शुरू कर देते हैं तो युद्ध हो जाता है। युद्ध में क्या है? फायर है, वेपन्स चलेंगे, टैंक्स चलेंगे, न्यूक्लियर वेपन भी चल सकते हैं। ही सजेस्ट दैट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिजायर इज सिग्निफिकेंट एनफ टू एंड द वर्ल्ड, कि अगर किसी के मन में यह आ जाए कि मैंने दुनिया को तबाह करना है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दैट पर्सन कैन ब्रिंग एन एंड टू द अर्थ। पांचवी लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, फ्रॉस्ट आगे बताता है कि एक हाइपोथेटिकल जो ना एक मान लिया, उसने अंदाजा लगा लिया, इमेजिन कर लिया, मान लो एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया वेयर द वर्ल्ड कुड एंड ट्वाइस, मान लो दुनिया ने दो बार दुनिया का अंत होना हो, एक बार दुनिया का अंत होना हो, दोबारा दुनिया का अंत होना हो, तो सजेस्टिंग दैट इफ द वर्ल्ड कुड फेस डिस्ट्रक्शन मोर देन वंस अनदर फोर्स वुड बी एट प्ले, दूसरी फोर्स ऑटोमेटिकली रास्ते में आ जाएगी। वो क्या है? वो है I think I know enough of hate. I think, वेट करता है, मुझे मालूम है, मैं सोचता हूँ हेट का रिजल्ट क्या होता है, घृणा का रिजल्ट क्या होता है, एक दूसरे की काट करने का रिजल्ट क्या होता है, एक दूसरे से घृणा करने का रिजल्ट क्या होता है, ये कहते हैं इसके बारे में मुझे काफी ज्ञान है। तो बाद में वो हेटेड पर शिफ्ट करता है छठी लाइन में, stating that he has also experienced enough hatred, कि उसने हेटेड भी देखा दुनिया में और डिजायर भी देखी दुनिया में, कि दोनों डिस्ट्रक्टिव है, दोनों में पोटेंशियल है, दोनों में ये ताकत है कि वो दोनों ही दुनिया को खत्म कर सकती है। दिस हेट करस्पोंडेंस टू द मेटाफर ऑफ आइस, हेट मेटाफर ऑफ आइस है, ठीक है। और सातवीं लाइन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आगे कहता है कि हेट कैन ऑल्सो बी पावरफुल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए हेट भी रिस्पॉन्सिबल है। हेट किसके लिए यूज किया है? आइस के लिए। इस बात को वो कि कहते हैं ऑफ कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टू कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, अगर लोगों एक दूसरे के साथ कोल्डनेस होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, जान पहचान नहीं होगी,
प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे के पीछे लगे रहेंगे। तो कहते हैं यहाँ आइस का प्रयोग उसने किया है कि मिसकम्युनिकेशन, बातचीत का ना होना, एक दूसरे से झगड़ा होना, बातचीत शुरुआत ना होना, तो वो एक युद्ध का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, दैट इज हेटेड, और वो आइस की तरह कोल्ड, यानी कोल्ड एटीट्यूड, नॉट अ वार्म एटीट्यूड इज ऑल्सो ग्रेट। ये भी एक नुकसान कर सकता है, ये दुनिया को तबाह कर सकता है कि आइस भी और हेटर्ड दोनों ही वर्ल्ड का एंड करने के लिए जिम्मेवार हो सकती है। ठीक है, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फायर को आइस के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, और क्या कहता है लाइन लाइन में, एंड वुड सफिस, और ये दोनों चीज काफी है। प्रोस्टेट्स दैट आइस हेट would be sufficient to end the world. Ice भी काफी है दुनिया का अंत करने के लिए। This final line confirms that both fire and ice, heat, are potent enough, are capable enough. उनमें दोनों में इतनी ताकत है कि वो दुनिया का destruction एंड ला सकते। इस प्रकार इस पोएम में जो ना फ्रॉस्ट ने फायर और आइस में जो ना दो पोटेंशियल सिनेरियोस का प्रयोग कराया कि फायर भी एंड कर सकती है, डिजायर एंड पैशन से तुलना की गई है, हेटर्ड को आइस से तुलना की गई है कि वो भी दुनिया का एंड कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेटाफर्स का प्रयोग करके अपनी बात को रखने का प्रयास किया है कि दोनों ही चीजें, अननेसेसरी डिजायर, अननेसेसरी पैशन कैन bring an end to the world. In the same way, no communications, passive attitude, no talking, cold, indifferent attitudes, hatred and indifference can also bring an end to the world. इस प्रकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस छोटी सी पोएम के माध्यम से बताया कि वैसे तो शब्द फायर और आइस दोनों सिंबल है, फायर हीट का, आइस कोल्ड का, यहाँ दोनों के सिंबल को प्रयोग करके, स्ट्रॉन्ग मेटाफर का प्रयोग करके ये बताना चाहता है कि बोथ कैन बी डेंजरस, ज्यादा इच्छा रखना और इनडिफरेंट एटीट्यूड रखना, हेटेड रखना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरा नागरिक दूसरे के प्रति हेटेड रखेगा और बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, एक देश दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो दुनिया का अंत होना निश्चित है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई बच्चों? हर लाइन की हिंदी मैंने बताई, क्रिटिकल एनालिसिस मैंने बताया, पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके उनको समझाया आपको। मुझे आशा कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हम अगले वीडियो में लेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप घूमते फिरते चलते फिरते वीडियो देख लें और आपका चैप्टर फिनिश, पोएम फिनिश। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल।